नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों आज हम औरा का मुरब्बा बनाएंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक किलो औरा है, इसके हम धोए के अच्छा से 3-4 बार इसके धोए के सुखवा लिया है। तो देखिए इस तरह से औरा लें, पका औरा लें तब अच्छा रहता है, पीला हल्का हो जाता है। अब कच्चा औरा रहता है तो कसैलाहा ज़्यादा आवत है, हरा भी रहता है औरा, तो इस तरह से लें तो अच्छा रहता है मुरब्बा खाने में। तो देखिए एक हम थाला लिया है चौके बदे, तो आप चाहे तो कोई कथा से भी चौक सकते हैं, तो मार्केट में भी मिल जाता है, तो इसी से हम चौक देते हैं, चौकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आसानी से चौके बहुत बचाई के, तो इसी तरह से हम आंवला के चौक लेते हैं। तो जब भी चौके हमारा तब इसके हाथ बहुत बचाए के चौके। तो इसी तरह से हम सब मिला के चौक के रख देते हैं एक थाली में। तो इसी तरह से हम सब औरा के चौक लेते हैं। अब जब भी चौके तो आसानी चौके, जहाँ भी चौकाए जहाँ ल तहाँ ल चौक दें इसी तरह से। तो इस तरह से चौके से रस भी बहुत अच्छा से सोख लेता है अमला। इसी तरह से हम सब अमरा के चौक के रख देते हैं थाली में। सब अमरा हम चौक के रख के हम जलाई लेते हैं और धर देते हैं कराही। हम आप चाहे तामा पीतल का लोहे कराही न लें, सिल्वर का तो अच्छा रहता है, कसाई छोड़ देता है। अब चाहे स्टील का ले सकते हैं, नॉन स्किड का ले सकते हैं। पानी हम डाल देते हैं, पानी ले लिया है और डूबाई भरे के अपने हिसाब से थोड़ा सा हम फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी डाले से कसाई पन निकल जाता है और इसके हम ढक्कन से ढाक देते हैं, जल्दी उबाल आ जाए। पानी उबाल लेते हैं तो देखिए पानी में उबाल आ गया है, औरा के हम डाल देते हैं पानी में। औरा के हम ढाक देते हैं 2 मिनट तक और पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है, उघार के हम देख लेते हैं। तो गैस के अब हम बंद कर देते हैं। औरा के हम 2-3 मिनट तक ऐसा ही रखेंगे, फिर हम बाद में निकालेंगे। तो देखिए औरा हम पानी में से 2-3 मिनट हो गया है औरा पानी में, तो इसके हम निकाल के बाहर रख देते हैं। इसे थाली में हम रख देते हैं। तो देखिए औरा का कलर भी चेंज हो गया है। तो देखिए औरा नरम हो गया है। गैस जला लिया है, अब धर देते हैं कढ़ाई, पानी डालेंगे। तो चाशनी के लिए हम 1.25 किलो चीनी डाल देते हैं मुरब्बा के लिए। तब इसमें हम औरा डाल देते हैं। औरा चला देते हैं और इसके धीमी आंच में पकाएंगे। इसी तरह से हम चलाते हुए चीनी की गलाई लेते हैं। तो देखिए चीनी गल गई है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डाले स्वादिष्ट बहुत अच्छा स्वाद रहता है, महक भी बहुत अच्छा रहता है। बढ़िया से चला देते हैं के हम अच्छा चला के थोड़ा देर के लिए ढाक देते हैं, देख लेते हैं थोड़ा उघार के हम।
इसके हम चला देते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गया पकाते, इसके हम कुछ टाइम तक और पकाएंगे। देखिए मुरब्बा हमारा पक गया है, आधा घंटा तक हम मुरब्बा पकाया है और कलर भी कितना अच्छा कलर भी आया है मुरब्बा का। अब इसके हम गैस के बंद कर देते हैं, ढाँक के रख देते हैं, 4-5 घंटे बाद हम दिखाएंगे। इसके हम ढाँक देते हैं और गैस के बंद कर देते हैं। 3-4 घंटे हो गया है तो देख लेते हैं हम। तो देखिए हमारा मुरब्बा बन के हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी रहता है, सबके बहुत पसंद रहता है मुरब्बा खाने में औरा का, और पेटे के लिए बहुत फायदा रहता है। और कांच के डब्बा में रख दें तो अपन खाएं, तो इसी में हम डब्बा में भर के रख देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।